लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेकर सबको चौंका दिया। अब मायावती के उस एक्शन पर भतीजे आकाश आनंद का जवाब आ गया। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मायावती को टैग कर लिखा, आपका आदेश सिर आंखों पर। दरअसल मायावती ने मंगलवार को रात भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। आकाश आनंद ने मायावती को टैग कर एक्स पर लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श है। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से आज हमारे समाज को ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले वर्ष दिसंबर माह में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें हटाने का यह आश्चर्यजनक फैसला उस वक्त आया जब देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो गया है। मगर मंगलवार रात को मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और बसपा समन्वयक के दायित्व से मुक्त करके सबको चौंका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में एवं आनंद के पूर्ण परिवक्ता हासिल करने तक उन्होंने यह निर्णय लिया है। बसपा प्रमुख मंगलवार रात एक्स पर पोस्ट किए गए अपने एक संदेश में कहा, बसपा एक पार्टी साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जिसके लिए काशीराम जी व खुद मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी व आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिवक्ता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती आगे अपने भाई और आनंद के पिता के संदर्भ में एक पोस्ट में कहा, हालांकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी व आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी पहले से निभाते आ रहे हैं, अतः भाजपा का नेतृत्व पार्टी व आंदोलन के हित में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने के पीछे नहीं हटने वाला है। बता दें कि सीतापुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद और चार अन्य लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा दिन की शुरुआत में रैली में आनंद के भाषण का स्वतः संज्ञान लेने के बाद यह कार्रवाई की गई। बसपा नेता ने अपने भाषण में कहा था कि यह सरकार बुलडोजर सरकार और गद्दारों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वह आतंकवादी सरकार है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बसपा ने बिना कोई कारण बताए पिछले दिनों आकाश आनंद की सभी प्रस्तावित रैलियों को स्थगित कर दिया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।